हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये मैंने 4 प्लाई ऊन ली है, 10-10 ग्राम दोनों कलर हमें चाहिए और इसके साथ ही 11 नंबर क्रोशिया चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनेगा। तोड़ पट्टी आप किसी डिजाइन में या सिंपल डबल क्रोशिए में बना सकते हैं। मैं 9 चेन लूंगी और 9 चेन पर 7 डबल क्रोशिए की तोड़ पट्टी बना के तैयार करूंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 चेन छोड़ देंगे, फोर्थ में डाल लेंगे, इससे 2 डबल क्रोशिए हमारे बन जाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में डालना है। 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और सेम जगह पर 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन लेंगे और ये वाला छोड़ के नेक्स्ट 2 में बना लेने हैं 2 डबल क्रोशिए। अगर आपको तोड़ पट्टी की चौड़ाई ज्यादा रखनी है तो ज्यादा चेन ले सकते हैं। ये देखिए, मैं ज्यादा चौड़ी तोड़ पट्टी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने 9 चेन ली है और 7 डबल क्रोशिए की तोड़ पट्टी है। 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और डबल क्रोशिए पर डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे बीच में, फिर जो बीच में 1 चेन ली थी वहां पर डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन लेनी है और फिर 1 डबल क्रोशिया सेम जगह पर बना लेना है। तो इस डिजाइन में मैं तोड़ पट्टी बना रही हूं। अगर आपको कोई और डिजाइन बनाना है तो बना सकते हैं। इस तरह से जितनी तोड़ पट्टी हमें चाहिए उस हिसाब से तैयार कर लेनी है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और आसान तोड़ पट्टी है। कंटिन्यू बना लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से तोड़ पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। अब हम इस पर फिनिशिंग करेंगे, ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो ठीक है, नहीं बिना फिनिशिंग के भी बना के तैयार कर सकते हैं डिजाइन। फिनिशिंग भी कैसे भी कर सकते हैं, कोई डिजाइन में या सिंपल डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया में करूंगी क्योंकि तोड़ पट्टी इससे ज्यादा चौड़ी मुझे नहीं चाहिए। अगर चौड़ाई बढ़ानी है तोड़ पट्टी की तो आप डबल क्रोशिया में भी बना सकते हैं या कोई और डिजाइन भी डाल सकते हैं इसमें। ये बीच में मैं 1 राउंड छोड़ रही हूँ, यहाँ पर बीच में 2 चेन लेंगे तो ये सही आएगा। 1 चेन में ये खिंचा हुआ आ रहा है, ये देखिए, तो बीच में 2 चेन और इस तरह से ये अब सही आ रहा है। तो इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है, उसके बाद डिजाइन बताएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान डिजाइन बनाने वाले हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगेगी फिनिशिंग के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोड़ पट्टी हमारी तैयार हो गई। डिजाइन हम ब्लू कलर में बना रहे हैं, बिल्कुल आसान डिजाइन है। यहां पर 7 चेन लेंगे, ये 1 क्रॉस कर देंगे, नेक्स्ट में डाल लेंगे इसे और अब हमें यहां पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनाना है, टर्न करके, और इसमें हमें चेन जो है इसमें सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं या आप फर्स्ट वाला ऐसे भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, टोटल 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
चार हो गए। यहाँ पर दो चेन ले लेंगे, दो या तीन चेन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एट डबल तो ये देखिए अब हमें इसमें आठ सिंगल क्रोशिये बनाएंगे काउंट करके, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी चार हो गए, फिर तीन चेन लेनी है, चार होने के बाद फिर चार डबल हाफ सॉरी सिंगल क्रोशिये बनाने हैं, दो तीन और ये चार, देखिए इस तरह से बना लेना है और इसको हम यहाँ बांध लेंगे, ऐसे ही बांधना है, चेन वेन नहीं लेनी है। तो ये हमें काउंट करके बनाएंगे तो ही पेटल बराबर आएगी, अगर कम ज़्यादा कर दिया तो पेटल एक साइड में बड़ी हो जाएगी एक साइड में छोटी। तो इस तरह से अब हमें बैक साइड से धागा उठाना है, ये देखिए दो काउंट करेंगे तो इस राउंड में पांच बनने चाहिए एक साइड में, तीन चार और एक बीच में बनेगा जहाँ पर तीन चेन ली थी, पांच, फिर तीन चेन लेंगे पांच बना के बीच में डाल लेंगे, सेम इसी में दो डालने हैं, एक इधर से फिर तीन चेन लेनी है, फिर इधर से और फिर बैक से धागा उठाना है, एक, बिल्कुल आसान डिजाइन है। इसी तरह से पेटल कंटिन्यू बनाते जाएंगे, बहुत ही सुंदर पेटल बनके तैयार हो जाएगी, बस काउंट करके बनाना है हमें कंटिन्यू, एक दो तीन चार पांच हो गए, इसमें डाल लेना है, यहाँ पर एक और आ जाएगा सिंगल क्रोशिया, फिर डन कर लेंगे और फिर से बना लेंगे। तो इस तरह से मैं पेटल बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं दिखाऊंगी, साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं जितने साइज में चाहिए पेटल, बस इसी तरह से कंटिन्यू बनानी है। इस वाले राउंड में छह सिंगल क्रोशिए बनाने हैं, इस तरह से हर एक राउंड में एक सिंगल क्रोशिया बढ़ता जाएगा, बाकी पूरा सेम ही बनाना है, ये देखिए इस तरह से, ये सीधी साइड है, इस तरह से डिजाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पेटल बनके तैयार हो जाएगी, ये मैंने दो राउंड लास्ट में ये ऑरेंज कलर के कर लिए जो कि तोड़ पट्टी के कलर में मैच करते हुए इस तरह से ये पेटल बना के तैयार की है, पोम पोम बोल बांधी है और नेक्स्ट पेटल और तैयार कर लेंगे, जितनी भी तोड़ पट्टी है तीन पेटल की मैंने तैयार की है, तो बना के तैयार कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तीन पेटल बना के ये तैयार कर लिए हैं, पोम पोम बोल बांध ली है इस पर और बीच में मैंने लटकन लगाई है मोती वाली, ये देखिए। तो ये ऑप्शन है, लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं इसके बिना भी रख सकते हैं, यहाँ पर और लगाएंगे अभी और इसे कंप्लीट कर लेंगे लगा के। तो ये देखिए इसके लिए पोम पोम बोल चाहिए और मोती चाहिए, पोम बॉल बना लिया आप, पोम बॉल बनानी आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे हमने डाले हुए हैं पोम बॉल के, और ये कुछ मोती लगाने हैं, अगर आप इसको चेन या पफ वगैरह की लटकन से बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर मोती यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसमें मैंने 16 मोती लगाए हैं, इसमें मैंने 11 मोती लगाए हैं, तो ये थोड़ी छोटी बनाई है, यहाँ पर बांध लेना है छोटी वाली साइडों में और ज़्यादा मोती वाली बीच में लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार कर लेने हैं,
ये बनके तैयार हो गया है। ये चाहे तो यहाँ पर भी आप फूल लगा सकते हैं, ब्लू कलर के मैंने पहले ही बना रखे हैं ये वाले फूल, यहाँ पर तोड़ पट्टी पर बीच में, ये ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो ठीक है, नहीं इसके बिना भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से इसे तैयार कर लेना है। ये बनके तैयार है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है। और अगर यहाँ भी लगाना चाहें ऑरेंज कलर के फ्लावर तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी फिनिशिंग हो गई है और तोरण हमारा तैयार है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू। तो ये देखिए, इसकी फिनिशिंग पूरी हो गई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही आसान डिजाइन। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिजाइन हमारा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है और डिजाइन बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सिंगल क्रोशिए का डिजाइन। तो अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, थैंक यू।